डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लाइज यूनियन के 25वें महाधिवेशन का आगाज मंडल कार्यालय गोरखपुर में किया गया। गोरखपुर मंडल के सभी जिलों से आए कर्मचारियों ने रैली के शक्ल में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचकर अपनी सहभागिता दी। उद्घाटन सत्र को जोनल महामंत्री राजीव निगम ने संबोधित किया। उन्होंने LIC के कार्यों के बारे में मौजूदा लोगों को विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजीव निगम, कोषाध्यक्ष राकेश कनौजिया, पूर्व महामंत्री PV राय सहित बड़ी संख्या में गोरखपुर डिवीजन के इंश्योरेंस एम्प्लाइज यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये माहौल में हम जब डिस्कस करेंगे तो हमारे सामने आई एक चैलेंज आज हम डिस्कस कर सकते हैं, वो क्या है हमारे सामने जो चैलेंज क्या है। एट योर सीट कैंपेन ऑन द स्ट्रीट, मतलब सीट में काम करो और जो काम कर रहे हैं बाहर जाके बताओ। मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी को, पहला प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस मिला था। कब मिला था? 2000 अक्टूबर, दिवाली का मतलब अक्टूबर में होता है ना। उसके पहले से भाजपा सरकार आया था, उन्होंने बिल लाया था 1999 में। क्या बोलते हैं 99 को इंग्लिश में, हिंदी में? 99। अच्छा, 1999 में भाजपा सरकार उस समय का उन्होंने बिल लाया था। बिल में क्या है, एक LIC और GIC जो पब्लिक सेक्टर में है उनके अलावा प्राइवेट कंपनियां भी इंश्योरेंस सेक्टर में होंगे। एक दो उन प्राइवेट कंपनियों में विदेशी 210 में अपना कैपिटल बढ़ाया सरकार ने, वो पैसे सरकार ने नहीं दिया, वो पूरे पॉलिसी ओनर सरप्लस जो होता है उसमें से ले लिए, मतलब सरकार ने अपने जेब से नहीं दिया। तो ये पैसे किसके पैसे हैं? जो बाकी 95 करोड़ लगाए वो किसके पैसे? सरकार ने नहीं लगाया, पॉलिसी ओनर के सरप्लस ने ले लिया। एक बात वो है। दूसरी बात, ये रिजर्व जो होता है LIC का रिजर्व जो मेंटेन करना है, प्राइवेट कंपनियों का मालिक जो है उसका रिजर्व वगैरह वही देते हैं पैसे। तो प्राइवेट कंपनियों के मालिक जो होते हैं वही उसका पैसे देते हैं। और एक लिस्टिंग करने के लिए उनकी सोच कितना गलत है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये लोग क्यों कर रहे हैं? दो बातें हैं,